महंगाई की पिच पर लीमू ने तमाम सबका रिकॉर्ड तोड़ डाले। रही मेरा खान में देसी लीमू मजीद 120 रुपए प्रति किलो महंगा, 480 से 600 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों का इंतजाम से तरजीही बुनियादों पर नोटिस देने का मुतालबा। महावलनगर के रमजान बाजार शहरियों को करने लगे खार, सहूलियात न होने पर शहरी परेशान। अशिया के हसूल के लिए लंबी कतारें, शहरियों का इंतजाम से मसाइल के हल का मुतालबा। मॉडल बाजार जामपुर इंतजामिया की मनमानियां, यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज ने शहरियों पर दरवाजे बंद कर दिए। घी और चीनी मनपसंद अफराद को नवाजने का इल्जाम, कड़ी धूप में खरीदारी के लिए आने वाले रोजेदार खार होने लगे। मनपसंद अफराद को बिना शनाख्ती कार्ड अशिया की फ्राहमी जारी। महंगाई ने मजदूरी की जिंदगी अजीर्ण कर दी, दिहाड़ीदार तबके का गुजर बसर मुश्किल हो गया। पुराने पाकिस्तान में भी मजदूरों को गिले शिकवे, कहा कि मजदूरी 2000 रुपए कम हो गई और काम भी नहीं मिल रहा। सर भी औखा हो रहा है, ना दिहाड़ी लगती है, ना काम मिलता है, ना मजदूरी मिलती है, ना कहां से कोई इमदाद मिलती है। हम लोग परेशान है, बीमार बेरोजगार आए। अल्लाह के आसरे पे, बाकी कुमर गांव तो हमारे बस में तो नहीं, हमारे सोच में तो नहीं है कि हमारे कोई अतामन करे या इमदाद। शहरियों को मियारी और सब्सिडाइज अशिया की फराहमी कमीशन, सरगोधा रमजान बाजार में अवामी शिकायत पर इंतजामिया इन एक्शन। गैर मियारी और ज्यादा कीमत पर अशिया फरोख्त करने पर कार्रवाई, दो अफराद गिरफ्तार, मुतादिद को जुर्माना। इलेक्शन कमीशन का सूबा पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान, पहले मरहले के लिए इलेक्शन शेड्यूल जारी। पंजाब के 17 अजला में पोलिंग 9 जून 2022 को होगी, नोटिफिकेशन जारी, पहले 29 मई को पोलिंग होना था। सियासी बहरान के बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब के डिग्री खान के कबायली इलाके मानका और फाजला का दौरा, तरक्याती स्कीमों का जायजा। उस्मान बुजार के कोहे सुलेमान के इलाके बारती और तौंसा का भी विजिट, कबायली माहिरीन से मुलाकातें की। वालिद सरदार फतेह मोहम्मद खान बुजार की कब्र पर हाजिरी दी, बोले वज़ीर-ए-आला के लिए चौधरी परवेज़ इलाही कामयाब होंगे, नए इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं, कौमी इंतखाबात की तैयारी करें। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी के अख्तियारात बहाली के खिलाफ अपीलों पर समाअत, हाई कोर्ट ने इंटर कोर्ट अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। डिप्टी स्पीकर आईजी चीफ सेक्रेटरी कल सुबह 9:15 बजे हाई कोर्ट तलब, जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस जवाद हसन पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत। साबिका वज़ीर मुमलिकत सरताज गुल को नया अहदा मिल गया, तहरीक इंसाफ ख़वातीन विंग जनूबी पंजाब के सदर नामजद कारकुनान और रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबाद। इक्तदार हाथ से गया तो तहरीक इंसाफ को पार्टी तंजीम याद आ गई, पीटीआई ने एक साल से जायद खाली अहदों पर पार्टी अहदेदार नामजद कर दिए। मुल्तान दो हिस्सों में तकसीम, तंजीमी सतह पर मुल्तान सिटी और जिला मुल्तान के दो यूनिट बनाए गए। खालिद जावेद ब्राइट जलई और अदनान डोगर सिटी सदर नामजद। दूसरी जानिब रईस महबूब अहमद जलई सदर, रहिंगर खान मुंतखब, अब्दुल रजाक राजा बतौर जलई सदर पीटीआई राजनपुर मुकर। अलहदा सूबे का बिल फौरी पास करवाकर हमें हक दिया जाए, तराकी पार्टियों का नई हुकूमत से फौरी अलहदा सूबा बनाने का मुतालबा। चेयरमैन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी राणा फराज नूर की रोहित से गुफ्तगू, कहा कि नई हुकूमत के पास अब ऑपोजिशन नहीं है, सूबा ना बना तो आइंदा मजीद मुश्किल हों। हुकूमत ने आते ही डॉलर को लगाम डाल दी, इंटर बैंक में डॉलर 42 पैसे मजीद सस्ता,
कीमत 181 रुपये 40 पैसे मुकर्रर। दूसरी जानी मुल्तान में लीग के रहनुमा शेख खावर ने रुपए की कदर में इजाफा शहबाज शरीफ की बेहतरीन पॉलिसी को करार दे दिया। बोले साबिका हुकूमत से डॉलर कंट्रोल नहीं हुआ, शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभालते ही डॉलर को कंट्रोल किया। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, वज़ीर आज़म ने पेंशन में इजाफे की मंजूरी दे दी। पेंशन में 10% इजाफे का इतलाक 1 अप्रैल से होगा, मुराफिला जारी। माहिर सयाम में बढ़ती लोड शेडिंग, बिजली की आंख मचोली से बैटरियों की मांग में इजाफा। रंगपुर में बैटरी की कीमत 2000 रुपये मजीद बढ़ गई, शहरियों की नई हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने की अपील। माह रमजान में गैस लोड शेडिंग से ना छूटी जान, कोटद्दू में सहरी और इफ्तारी बनाने वाले खवातीन परेशान। रही सही कसर गैस के कम प्रेशर में पूरी कर दी, शहरियों का मुतलका हुकाम से मसाइल के सदबाब का मुतालबा। मुल्तान में इंतजामिया ने तजावजात माफिया के खिलाफ शिकंजा कस दिया, तहली गेट औरंगजेब रोड पर गैर कानूनी रेड़ियां कब्जे में ले ली गईं। दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का बगैर नक्शा कमर्शियल तामीरत में इस्तेमाल करने का हुक्म। NOC के बगैर कायम प्लाजे पेट्रोल पंप्स और हाउसिंग कॉलोनियों को सील करने की हिदायत। मुल्तान में जावा जहां गैर कानूनी बस अड्डों की भरमार, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर, ओवरलोडिंग और ओवरचार्जिंग की शिकायत भी मामूल, मुसाफिरों का सख्ती RTO से नोटिस लेने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के मेंबरान सूबाई असेंबली इन एक्शन, तरक्याती मनसूबों का संगे बुनियाद रखने का सिलसिला जारी। नदीम कुरैशी ने UC 23 मुल्तान में टफटाइल और सिवेज मनसूबे का संगे बुनियाद रखा। दूसरी जानब लैया शेखवाला मोहल्ला में सिवेज मसाइल का होगा खात्मा, MP रफाकत किनारे के मनसूबे का इफ्तिताह किया, इलाके में टफटाइल लगाने की नवीद दे। ग्यारहवीं और बारहवीं जमात की इमरानियात की किताब बिना मंजूरी के पब्लिश, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स बोर्ड इन एक्शन। हसन एंड हसन पब्लिशर को शिकायत नोटिस, किताब को फौरी किसी भी कॉलेज में ना पढ़ाने के अहकाम, 7 दिन में पब्लिशर से जवाब तलब। एज शॉपिंग के लिए बाजारों में रश, ट्रैफिक पुलिस मुल्तान का ट्रैफिक प्लान करती। CTO मुल्तान की जानेब से 450 ट्रैफिक वार्डन तैनात होंगे। कैंट हुसैन आगाही गर्देसी मार्केट में 1 वे ट्रैफिक दाखिल होगी। उधर मुल्तान पुलिस ने भी नाकों की तादाद में इजाफा कर दिया। कपास की बेहतरीन काश के लिए महकमा ज़राअत मुतहरिक, कपास की बेहतरीन काश के लिए महकमा ज़राअत मुतहरिक। मुजफ्फरगढ़ में किसानों को 6000 रुपये सब्सिडी देने का ऐलान, फार्म जमा कराने की आखिरी तारीख 2 मई मुकर्रर। और 9 बजे यूनिवर्सिटी मुल्तान के दर तमाम रमजान ड्राइव, मुस्लिक अफराद में राशन के पैकेट तकसीम किए गए। डायरेक्टर कैंपस ब्रिगेड गिरफ्तार रजा ने कहा कि राशन तकसीम करने से लोगों में भी खिदमत का जज्बा पड़ेगा।